सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद् गीता के नवम अध्याय के 28वें श्लोक के ऊपर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, शुभाशुभ फलेरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेश्यसि। अर्थात शुभ और अशुभ जो फल हैं उनसे भी मुक्त हो करके, कर्म बंधन से मुक्त हो करके, संन्यास योग से युक्त हो करके, पूर्ण रूप से मुक्त हो करके मुझे प्राप्त होते हैं। यानी वे लोग जो शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और उनके फलों से भी मुक्त हो जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म वे कर्म हैं जो हम दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए करते हैं, और अशुभ वे कर्म हैं जो हम स्वयं के लिए करते हैं। यानी स्वयं के लिए किए गए कर्म सदैव अशुभ ही रहेंगे, दूसरों के लिए किए जाने वाले कर्म, दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म जो हैं वे शुभ रहेंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि शुभ और अशुभ इन दोनों ही कर्मों से और इनके कर्म फलों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि कर्म होंगे तो उनके फल भी होंगे, और फल की कामना जो करता है शुभ कर्मों से, यानी पुण्य की कामना जो लोग करते हैं, पुण्य फल की कामना करते हैं, शुभ फल की कामना करते हैं, वे सब कर्म बंधन में फंस जाते हैं। शुभ कर्मों के अनुसार विभिन्न लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक आदि प्राप्त होते हैं, और अशुभ कर्मों के अंतर्गत तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं, नरक प्राप्त होते हैं, और ये दोनों ही बंधन युक्त हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारी बेड़ी लोहे की है कि चांदी की है कि सोने की है कि तांबे की है? बेड़ी तो बेड़ी होती है, बंधन तो बंधन होते हैं, मृत्यु तो मृत्यु है। चाहे हम जहर खाकर मर जाएं, चाहे कोई गोली मार दे, चाहे चाकू मार दे, चाहे तलवार से मार दे, चाहे गला दबा के मार दे, मृत्यु तो मृत्यु ही है। तो कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों से तुम मुक्त हो जाओ, और कर्मों सहित उनके फलों सहित मुझे समर्पित कर दो। जो संसार को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जो संसार में व्यक्ति से, वस्तु से
क्रिया से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं वे सभी कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। भक्त के लिए शुभ और अशुभ, अनुकूल और प्रतिकूल कर्म कुछ नहीं है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति कुछ नहीं है। वो इन दोनों से ही मुक्त हो जाता है क्योंकि सभी को वो प्रभु को समर्पित कर देता है और संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को वो प्रभु ही समझता है अपने हर कर्म। क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक कुछ न कुछ कर्म करने के लिए विवश है, तो वो अपने हर कर्मों को, हर कर्म फलों को प्रभु को समर्पित कर देता है और स्वयं को भी समर्पित कर देता है। तो कहता है कि शुभ अशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। वो तमाम तरह के कर्मों से, यानी जो तप हैं, उस तरह के कर्म जो उन्होंने सेवा की है, चाहे गुरु की सेवा की हो, माता पिता की या समाज की, सभी सेवा से भी वह मुक्त हो जाता है, अपने को हटा लेता है, समर्पित कर देता है ईश्वर को। और जो वो गुणों के सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों से वो भी असंग हो जाता है, उन गुणों को भी वह समर्पित कर देता है, इस वजह से वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि गुण ही जो है कर्म में बांधते हैं। अब यहां एक है संन्यास योग युक्त आत्मा। यहां पर संन्यास योग जो है या युक्त होने के लिए, यानी शुद्ध रूप से जो भक्ति की अवस्था है उसके लिए यहां प्रयोग किया है भगवान ने, यानी सभी कर्मों को समर्पित कर देना भगवान को, वही संन्यास, संन्यास योग युक्त आत्मा। और हर परिस्थिति में सम रहना, तो सम है न्यास में स्थित हो जाना, सम परिस्थिति में स्थित हो जाना संन्यास है, और सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित करना संन्यास है। तो संन्यास योग युक्त आत्मा कहते हैं कि ऐसे लोग जो युक्त हैं, योग से जो युक्त हैं, यानी ईश्वर से युक्त हो जाना, भगवान से युक्त हो जाना, प्रभु से युक्त हो जाना ही योग है। तो ऐसे जो युक्त हैं वे ही प्रेम को प्राप्त हैं। भगवान से युक्त हो जाना ही प्रेमाद्वैत है, उनसे युक्त होना ही प्रेम संबंध है, वही भक्ति है। और यहां पर इसको वैराग्य के अर्थ में भी लिया गया है, ये युक्त जो है वह युक्त वैराग्य भी है। संसार में तो जिसका भी संयोग होता है वियोग होता ही है, हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती रहती हैं, चाहे अनुकूल व्यक्ति मिले या वस्तु मिले, प्राप्त होते ही रहते हैं। उन सभी को ईश्वर को समर्पित कर देना है, यही भक्त की मनोदशा होती है। भक्त भगवान के सिवा किसी चीज़ की कोई कामना नहीं करता है, कोई अनुरोध नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं करता है। तो भगवान की कृपा से, भगवान की दया से उसे सभी परिस्थितियां प्राप्त होते रहती हैं, सभी स्थितियां प्राप्त होते रहती हैं। दया मतलब कि भगवान स्नेह कर दिए, प्रेमवश उसको, भक्त को तृप्त कर देते हैं और उसके लिए अनुकूल परिस्थिति ला देते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। और कृपावश कर थोड़ा से ताड़ना दे करके, पापों का नाश करके
थोड़ा भक्त के ऊपर शासन करके भगवान उसे मुक्त कर देते हैं, या कृपा रूप है। भक्त की दृष्टि में कृपा और दया दोनों ही समान ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी परिस्थिति का। और तब ऐसे होने से क्या होता है, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त होगे। यहाँ पर मुक्ति शब्द का प्रयोग है, मोक्षसे शब्द का प्रयोग है, यानी दो बार मुक्ति शब्द का प्रयोग है। और मुक्ति का अर्थ भगवान ने यहाँ क्या बता दिया है कि माम उपेश्यसि, मुझे प्राप्त होगे। अब एक मुक्ति तो जैसे निर्विशेषवादी सब जो हैं वे सब एक मुक्ति की बात करते हैं, कितने लोग तो सुख दुख से मुक्ति को ही मुक्ति मानते हैं, जन्म मरण से मुक्ति को ही मुक्ति मानते हैं, वह भी एक प्रकार की मुक्ति है। अब मुक्तियों के जो कई प्रकार के हैं मुक्ति, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति को महसूस कर लेना को ही मुक्ति मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि माम उपेश्यसि, मुझे प्राप्त होना ही मुक्ति है। और भगवान को प्राप्त होना, उसको भगवान ने यहाँ मुक्ति माना है, ब्रह्म ज्योति को देख लेना मुक्ति नहीं माना है, ब्रह्म ज्योति के दर्शन को भगवान ने यहाँ मुक्ति नहीं माना है। मुक्ति पांच प्रकार की बताई जाती है, सारूप्य, सालोक्य, सारष्टि, सामिप्य और सायुज्य। सालोक्य का अर्थ हो गया कि वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाना, भगवान के लोक में प्रवेश कर जाना और वहां पर परमानंद को भोगना अनंत काल तक, यह जो है सालोक की मुक्ति है। इस सालोक मुक्ति से आगे सारष्टि मुक्ति होती है। सारष्टि मुक्ति में जो मुक्त होता है, मुक्त आत्मा को भगवान के समान ही ऐश्वर्य मिल जाता है। केवल सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता और संहार करने की क्षमता नहीं मिलती, बाकी सब मुक्तियाँ, बाकी सब जो है उन्हें वह ऐश्वर्य मिल जाता है। इसमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये छह जो भगवान के दिव्य गुण हैं ये उसे प्राप्त हो जाते हैं, यह सारष्टि मुक्ति है। और सारष्टि से आगे सामिप्य है, सामिप्य मतलब भगवान के समीप हो जाना। और यहाँ पर वो भगवान के साथ इतना सामिप्य हो जाता है कि वे वहाँ भगवान के संबंधी जैसे रहते हैं, माता पिता पुत्र पत्नी मित्र, उस अर्थ में वे वहाँ रहते हैं, तो वो समीपता होती है, तो यह सामिप्य मुक्ति है। और फिर इससे आगे सारूप्य है, यानी भगवान जैसा ही रूप, उसे भगवान जैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है, यानी शंख चक्र गदा पद्म ये सब जो रूप हैं भगवान के, जो चतुर्भुज रूप दिखलाया जाता है, वह ये सभी रूप प्राप्त हो जाते हैं सारूप्य की अवस्था में। सिर्फ तीन चीज इसमें से उसे प्राप्त नहीं होता, श्रीवत्स, भृगुलता और कौस्तुभ मणि। यह जो रूप है इनको प्राप्त नहीं हो पाता। और इसके आगे अंतिम जो है मुक्ति,
उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति माने एकत्र हो गया, एकमेय अवस्था हो गई, भगवान से अभिन्नता की अवस्था हो गई। जो परम ज्ञानी होते हैं वो इस अवस्था को प्राप्त होते हैं, परम भक्ति इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वे भी इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यानी भगवान के द्वारा मारा जाना कोई आसान चीज नहीं है, वह भी बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि विद्वेष भाव से ही सही वो हर समय भगवान को याद करता रहता है, जपता रहता है और एक विरोधी के रूप में सेवा करता रहता है। और इस पुण्य के फलस्वरूप, इस तप के फलस्वरूप ही उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। जो अद्वैत सिद्धांत है उसके अनुसार तो मुक्ति से मैंने बताया कि संसार से संबंध का विच्छेद हो जाना, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाना, उसे एकाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, वह अद्वैत अवस्था कहलाती है। परंतु जो भक्त है वो किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं चाहता, वह एकमात्र भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहता। वो मुक्ति उसे प्राप्त होती है वह बात अलग है, परंतु उसकी कोई कामना नहीं होती है मुक्ति की। और एक जीव मुक्त है, जीव मुक्ति की अवस्था है जिसमें कि वह जीते जी मुक्त होता है। यह तो परम भक्तों को उपलब्ध होता है, जीते जी की मुक्ति अवस्था। और यही नगदी धर्म है जो जीव मुक्ति का धर्म है। जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाना नगद धर्म है, यह धर्म का वास्तविक आधार है। मरने के बाद क्या होता है किसने देखा, लेकिन जीते जी अगर हम मुक्त हैं तो मुक्त हैं। और गीता जीते जी मुक्ति का आश्वासन देती है। और ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं कि सारूप्य, सालोक, सारष्टि और सामिप्य, सायुज, ये जो भी मुक्ति बताई गई है ये सब जीते जी की ही मुक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद की मुक्ति है, मरने के बाद की तो है ही है, जीते जी भी है। इसीलिए गीता एक महान संदेश के साथ अवतरित हुई है जिसमें कि आपको जीव मुक्ति उपलब्ध होती है, आप जीते जी वैकुंठ लोक में रहते हैं, जीते जी भगवान के उस ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, जीते जी उस समीपता को प्राप्त होते हैं, जीते जी उस एकत्व को प्राप्त होते हैं। वो सारी मुक्तियां परम भक्त को एक साथ मिलती है और जीते जी मिलती है। इस धराधाम में ही सब धाम मिल जाते हैं उसे, पृथ्वी लोक में ही सब लोग उसे मिल जाते हैं। यह वास्तविक मुक्ति है और इसका आश्वासन श्रीमद् भगवद गीता देती है। और यहाँ जो है माम उपेश्यसि, मुझे प्राप्त हो जाना, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हो जाने का इसका सारा संबंध है। इन सारी चीज़ों का जो मैंने बताया, तमाम तरह की मुक्तियाँ, इन सभी मुक्तियों को प्राप्त हो जाना इसके तात्पर्य है। यह यहाँ मुक्ति का विशेष अर्थ है। भगवान से अभिद हो जाने के बाद स्वतंत्र सत्ता कहाँ रहती है, या प्रेमाद्वैत की अवस्था उपलब्ध होती है। और इसका ही यहाँ वर्णन है। तो गीता का यह महान संदेश है, सभी के लिए है, यह मुक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ओम हरि। ओम